एक और जगह रिवील करने और आप देख सकते हैं भाई, हमको पता नहीं होगा पर फिर भी अगर आप चीज का नाम लेंगे तो पानी आने वाला है, बताएं आपको पानी आने वाला है। और बनने से पहले एक चीज करना बिल्कुल ना भूलूंगा, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो मेरे पहले बेल आइकन दबा देगा, अगर बेल आइकन कोई नहीं दबाएगा तो वो उसका तोड़ने को कभी भी और कहीं पर आपके घर पे भी नहीं दिख पाएगा, और जब दबा देगा वो उतना कभी भी कहीं पे भी आपके घर पे भी जरूर दिख पाएगा। तो अभी हम लोग, हाँ तो हम लोग बताते हैं आप लोगों को, आज हम लोग खाने आए हैं आइसक्रीम लोला कोसा आइसक्रीम, जो नाम आइसक्रीम मतलब शॉप का नाम है हस्बैंड वाइफ रोलर कोसा आइसक्रीम, हस्बैंड वाइफ रोलर कोसा आइसक्रीम जी बिल्कुल, जो एक आंटी और अंकल ने दोनों ने मिलकर प्लान किया था, मतलब सब कुछ प्लानिंग वगैरह वो अंकल आंटी से पूछेंगे, बाकी उन लोगों का इंटरव्यू लेंगे। तो अभी हम लोग कहीं जा रहे हैं, अभी हम आप लोग जान से पहले हम बोलेंगे कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और जाने से पहले कर लें, उसके बाद चलते हैं, चलिए आ जाइए चलते हैं। तो अभी क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम जफर है, जफर अहमद। जफर अंकल आप बताएं कि आपके दिमाग में इतना यूनिक सा आइडिया कैसे आया? बस जिस दिन हम दोनों बैठे हुए थे तो हमने देख रहे थे यूट्यूब पे, तो उसमें हमें ये वीडियो देख रहे थे इंडिया की वीडियो, तो जरा क्लिक किया तो फिर उसको देखने के बाद उसको हमने खुद ही डिजाइन किया, खुद ही बनाया मशीन। ये जो आपने मशीन बनाई ये आपने कहाँ से डिजाइन करवाई? ये खुद ही की है, खुद ही की है, खुद ही मैंने इसके डायग्राम बनाई और एक मेरे हैं जाने वाले उनके थ्रू मैंने इसको कंप्लीट किया मशीन को। तो ये बताएं कि मतलब आप भी कुछ पूछ सकती हैं, आपके दिमाग में इतना सबसे अलग आइडिया क्यों आया? मेरे दिमाग में सबसे अलग आइडिया ऐसे आया कि हम इंसान की फितरत है ना, जस्तजू खूब से खूब कर की तलाश में रहता है, अच्छी से अच्छी चीज़ें ढूंढता है, उसमें आइडियाज़ भी होते हैं, बाज़ चीज़ें भी होते हैं। तो अल्लाह ने आइडिया हमारे दिमाग पर डाला, क्लिक किया तो उस पर हमने काम शुरू किया, फिर मशीन को रेडी किया, तकरीबन 2.25 महीने में मशीन रेडी हुई हमारी। कितना टाइम हो गया ये शॉप? ये हमने नवंबर में स्टार्ट की थी शॉप, फर्स्ट नवंबर को हमने ली थी, बट कुछ काम वाम हो रहे थे इसमें, तो हमने जो हमने नॉर्मल ओपनिंग की थी तो हमने 25 नवंबर को की थी, ग्रैंड ओपनिंग हमने 4 दिसंबर को की। ओके, मतलब कि रिसेंटली उन्होंने ओपन किया है, बाकी मैंने बहुत ही सुन लिया कि रोलर कोस्टर बाकी पूरे मेरे ख्याल में तो हमारे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में नहीं है, तो आप बताएं अगर है कहीं तो हमें बताएं, क्योंकि फिर हमें भी पता चाहिए कि अंकल के अलावा किसी और ने ओपन किया है। जिस तरह से ये है मतलब मेरी भी निगाह से नहीं गुजरी, और भी बहुत से आपके तरह ब्लॉग बनाने के लिए आए थे, तो उन्होंने भी कहा कि हम तो पूरा कराची घूमते हैं, हमने नहीं देखी, हमने भी नहीं देखी, और अगर कहीं हो किसी कोने में कराची में तो या बट हमारे पास जो है वो फिजिकली आपके आंखों के सामने। तो आप लोगों के कौन कौन से फ्लेवर्स हैं? मतलब हमारे पास चॉकलेट है, चीकू है, बनाना है, स्ट्रॉबेरी है, ऑफ सीजन है, स्मॉल कप जो है हमारा 180 का है, इससे बड़े जो है 220 का, 50 इस तरीके से रेट है, बनाना और चीकू ग्रेजुअली बढ़ रहा है, बनाना चीकू जो है 130 का स्मॉल कप। आपने जब शॉप ओपन की थी जब से सेम प्राइस लिए आपने अभी बढ़ाए? अभी हमने थोड़े प्राइस बढ़ाए क्योंकि आपको पता है जो फ्लक्चुएशन चल रहा है मार्केट में रेट का, उस वजह से जो हमारे शुरू में प्राइस थे वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री प्राइस थे, इंट्रोडक्टरी प्राइस से, क्योंकि हम नया नया ओपन किया था तो हम लोगों को भी बता रहे थे ये हमारे जो है कॉम्प्लीमेंट्री प्राइस हैं जो बाद में बढ़ेंगे। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को कॉपरेट है, बनाते हैं जूसेस वगैरह, तो मतलब वो वहाँ का हमें विजिट करवाएंगे किचन अपने बेटे, ये हम जो रियल फ्लेवर्स होते हैं मतलब जो फ्रूट्स होते हैं उनका मिल्कशेक बनाते हैं, स्टार्टिंग में हम डायरेक्ट फ्रूट यूज़ कर रहे थे तो ज़ाया हो रहे थे, तो उसकी हमें ज़रा तकलीफ हो रही थी कि सही चीज़ पिकने में आ रही है, तो फिर हमने उसको शेक बनाया, और ये चीकू है, बनाना है, ये प्रॉपर शेक बनता है, वो हम इसमें जग में डाल के फिर हम इसको बनाते हैं। अच्छा, आपके साथ कोई हेल्पर मतलब कोई हेल्प करवाता आपके इन सब चीज़ों में? मेरी मिसेज हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आंटी आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है।
आंटी आप मुझे बताएं, आप इतनी मेहनत करती हैं सुबह से लेकर शाम तक, आप इसके अलावा कोई आपका कोई मतलब प्रोफेशनल काम? जी मैं प्रोफेशनल, मेरी मैं जो हूँ मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, लेकिन अब इस वक्त मैं अपने हस्बैंड के साथ खड़ी हूँ और इस मिनी रेस्टोरेंट को इंशाल्लाह बड़ा करना है, तो इसलिए मेहनत तो करनी है। बिल्कुल, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं, इंशाल्लाह मेहनत आप लोगों की जानी आएगी इंशाल्लाह। तो ऐसा करते हैं कि आप हम अपना किचन दिखा दें जहाँ पे आप जूसेस वगैरह बनाती हैं। अभी तो सब रेडी तैयार हूँ, हम मशीन पे रखें, लेकिन ये फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से बनता है। ये हमारा एक छोटा सा किचन है यहाँ पर। जी यहाँ पे केले, एक मिल्क शेक नहीं होता, वो स्मूदी की तरह होती है, थोड़ी थिकनेस होती है, क्योंकि हम डायरेक्ट फ्रूट्स बना रहे, फ्रूट इस्तेमाल कर रहे थे तो वो फिर ज़ाया हो रहा था, तो इसलिए हम लोगों ने ये किया कि उसको स्मूदी की तरह बना के और फिर हम उसको डायरेक्ट मशीन पर अप्लाई करते हैं, और उसके अंदर मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि हमारे उसमें क्रीम्स जाती हैं मुख्तलिफ किस्म की, और कंडेंस मिल्क होते हैं, हॉट फ्लेवर, ओरिजिनल रियल फ्रूट, जो आप मतलब लोगों मतलब कहीं पर जाओ तो वहाँ पर फ्लेवर्स होते हैं, मतलब बड़े पहले से बनी हुई होती है, पर आपको ये लोग बना के दिखाएंगे और फिर हम देंगे। जी तो अभी ऐसा करते हैं कि हम लोग अंकल आंटी हमें लेके चलेंगे कि आइसक्रीम की तरह, और हम भी देखते हैं, हमें भी खाने का बहुत ज़्यादा दिल है, तो बस चलते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं, हम खुद भी देखते हैं, तो आ जाइए चलते हैं। आइसक्रीम कौन सा फ्लेवर? अच्छा आपकी आइसक्रीम फेवरेट है? अच्छा पहले आप बताओ, आप आइसक्रीम बनाने आई हैं या ब्लॉग बनाने आई हैं? पता नहीं, आप ब्लॉग भी बनाने आई हैं, आप आइसक्रीम खाने आई हैं? तो हम लोग आइसक्रीम की तरफ आ चुके हैं, और आप लोग देख सकते हैं इस तरह से आइसक्रीम निकालेंगे, तो इसके अंदर इस तरह से एक वन कप हम बनाएंगे, वन कप अंकल बनाएंगे। पहले अंकल हम, ये मैं आपको डेमो दे रहा हूँ, देखिए हमारा डेमो कैसे हम करेंगे इस तरह से। और आप लोग कितना मजा आएगा इसको निकालने में, सारे उनके जूसेस हैं, ये मेरे ख्याल में नेम लिखा हुआ है, सब चॉकलेट है, ये बनाना, ये बनाना है, चीकू, ये चीकू है। चीकू के साथ आप इस तरह से चलाने जहाँ जाए आइसक्रीम उधर इलाके में नहीं निकल तो अभी मैं ट्राई कर रही हूँ, देखते हैं कि मुझसे बनता है कि नहीं। अब जन्नत आप ट्राई कर ले, आप तो होने वाला है जी, आपसे तो हो ही नहीं रहा। बेटे ऐसे पकड़ना, ऐसे पकड़ेंगे ना, ऐसे ग्रिप बनेगा, लो आपका लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड है, लेफ्ट ही है, राइट हैंड है, राइट है। नो थोड़ा सा जोर से ऊपर की तरफ जोर लगाएं, थोड़ा आइसक्रीम जरा नाम पूछती है,
नाम बताएंगे भाई? माशाल्लाह, ये आपसे नंबर लेगी जन्नत भैया। आप हमारे साथ काम करें, आप छोड़ें नहीं, पापा को छोड़ें, हमारे पास आना। तो आप दिखा दें हम लोगों ने ये कब तो ये हमारा कब हमने बनाया। अब इसके ऊपर टॉपिंग जो दिखा रहे हैं वो अंकल देख लें आप लोग, टॉपिंग जो कर रहे हैं अंकल, स्ट्रॉबेरी सीरम डाला है उस पर। और तो बन गया चॉकलेट। है आप कौन है? आपकी ना कोई बच्चे मुझसे कह रहा है कि टेस्ट करवाएंगी, पर मैं बोल रही हूँ आप कौन है? बांजी। तो ये हमारी आइसक्रीम रेडी होकर आ चुकी है और इसको मैं टेस्ट करूँगी क्योंकि जन्नत ने अच्छा रिव्यू नहीं दिया था। नहीं मैं तेरा भूल गई, मुझे जितनी अच्छी लगी कि मैं बाल कैसे बोल गई, मुझे आपसे भी अच्छी लगी थी। ये बहुत मजे की है, इतनी इतनी कि हम बहुत जितना बोले उतना कम है। आइसक्रीम के लिए मैं चढ़ रहा था, इतनी अच्छी से मैं पूरी खा गई। जन्नत ना पता है क्या आदर मुँह में बोलते हैं, आदर बाहर बोलते हैं। आप इनको बताया करें कि आप लोग ये भी बताया करें हमारी क्या क्या करें कि हमने कौन सी गलती है, कौन सी मिस्टेक, जो हमारी गलती होकर वो आप हमें बताया करें कि उसको फिर हम नेक्स्ट ब्लॉग में सही करें। और हाँ आप लोग हमें मतलब जगह भी बताया करें कि नेक्स्ट हम लोग कहाँ ब्लॉग करें। आपके आस पास में कोई जगह है ऐसी जहाँ पर हमें आना चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता करें, हो सकते हैं हम वहाँ पर जाने की कोशिश करें। तो बस हम आपसे कहेंगे कि यहाँ ये वाली आइसक्रीम रोलर कोस्टर को आइसक्रीम खाते जाएं। अगर आप यहाँ पर आए और ये आइसक्रीम मैंने खाया फ्रांसी में, तो आपने क्या नहीं खाया, पता नहीं क्या खाया आपने? कुछ भी नहीं खाया, चीज़ का ही नहीं होता बस। तो फिर टेस्टी चीज़ आ रही है आइसक्रीम, तो हम आपसे कहेंगे कि आप लोग यहाँ आए ये आइसक्रीम खाएं और अंकल को हम बताते हैं कि हमें आइसक्रीम कैसी लगी। अंकल आइसक्रीम वाकई बहुत मजे की है और जगहों से जो मतलब आते हैं उससे ज्यादा मजे की आप लोगों की आइसक्रीम है। मसला ये है कि इसमें आर्टिफिशियल कुछ नहीं है, रियल फ्रूट है और ये स्ट्रॉबेरी हमने फ्रोजन बनाते हैं आप लोग, क्योंकि अभी स्ट्रॉबेरी का सीजन नहीं है तो हमने फ्रोजन हमने कहीं से अरेंज की, कस्टमर की डिमांड थी तो अच्छा रिस्पॉन्स है माशाल्लाह। फ्रूट हमारा भी जो रियल है, इसमें टॉपिंग होती है, टेस्ट भी आ रहा है चॉकलेट का, 100% आ रहा है क्योंकि हम आपको बिल्कुल फ्रेश चीज दे रहे हैं, इसमें किसी चीज की कोई बात नहीं है। बिल्कुल सही है, क्या सही है, फ्रेश चीज दे रहे हैं हमको। तो बस माशाल्लाह से बहुत टेस्टी बनी है, बहुत लजीज, बहुत मजे की तारीफ कर जाए इतनी कम। बिल्कुल, तो थैंक यू सो मच अंकल, आपने अपना टाइम दिया और थैंक यू। इंशाल्लाह फिर तो आप हमारे चैनल के लिए कुछ कहना चाहेंगे? इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इनको प्रमोट कीजिए, लाइक कीजिए और इनको मज़ीद ऐसी वीडियोस बनाने का मौका दीजिए। यंगस्टर्स हैं और ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो आप लोग इनके साथ कोऑपरेट करेंगे तो इंशाल्लाह ये लोग बहुत आगे जाएंगे इंशाल्लाह। तो बस तो फिर इसी के साथ हम ये वाला ब्लॉग भी यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए, वो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और आज अगर यहाँ कभी जाए कहीं पर भी तो कहीं पर भी देख सकते हैं। तो बस घबराना नहीं है, लव एवरीवन।